हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली सिक्योरिटी गार्ड का आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन सकती है और डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या रहेगी, ये हम जानेंगे। बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, रिज़ल्ट के बारे में और फिज़िकल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ डॉक्यूमेंट लिस्ट और कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट्स देखिए क्या क्या चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए, और फॉर्म जो आपने फिल किया था उसका प्रिंट चाहिए। उसके बाद 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई डिप्लोमा किया है, तो वो भी आप ले सकते हैं। पासपोर्ट साइज आप फ़ोटो ले सकते हैं। इसके अलावा इन सब की तो फ़ोटो कॉपी भी चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। इससे पहले भी आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो उसके में आप जानते तो होंगे ही कि किस कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है और किस फॉर्मेट में चाहिए होता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आ जाएगी। और सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, ये SSC की तरह नहीं है कि जनरल कैटेगरी की मान लीजिए कुछ कट ऑफ गई है और SC कैटेगरी की उससे 20 नंबर कम चली जाएगी, ऐसा यहाँ नहीं होता है। जनरल कैटेगरी की सबसे पहले हम बात करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप कट ऑफ मान के चल सकते हैं 67 से 68 के बीच में रहने के चांसेस हैं। अगर OBC की हम बात करें तो OBC में इससे एक दो नंबर आपको कम देखने को मिल जाएंगे, 65 से 66 के आसपास, 65 टू 66 के आसपास देखने को मिल सकती है। EWS की अगर हम बात करें तो ये लगभग मैक्सिमम एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि OBC और EWS की सेम ही रहती है, तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं 63-64 के आसपास रहने के चांसेस हैं, क्योंकि OBC में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल करे गए हैं, वैकेंसी भी शायद सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ कट ऑफ हाई रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो ये आपको 59 to 60 देखने को मिल सकती है। मेजर यही कैटेगरी लेकर मैं चल रहा हूँ। कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें आप लोग। कोई भी अपडेट आएगी तो आपको बताया जाएगा। चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। ध्यान रखें अपना। बाय।